जो अदारे हमने इस मकसद के लिए बनाए थे, लिविंग सेल जैसे वो बनाए थे, मेरी इसमें तजवीज़ ये होगी कि इसमें वकला के वफूद आने चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना कि वकला नहीं आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, ऐसे सियासी लोगों के वफूद आने चाहिए। जब मैं कश्मीरी होने की से बात करूँगा तो आप मेरी बात सुनेंगी, लेकिन जब कोई पाकिस्तानी बात करेगा तो उसकी बात को वेट नहीं मिलेगा। मुझे एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, उसमें शाह गुलाम कादर साहब थे, नजीब नक्की साहब वगैरह थे, तकदीर गिलानी थी, खटमंडू में हम के एक जान मैकडोनल्ड प्रोफेसर होते थे, 10 आदमी उधर से आए, अभी बस नहीं चली थी, 10 आदमी इधर से गए। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर दूँ, हमसे बहुत आगे, उनमें 10 में हिंदू भी थे उनके, जो कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे। पहले दिन हमें अंदाज़ा, 5 दिन की कॉन्फ्रेंस की, पहले दिन हमें अंदाज़ा हो गया कि यार ये हमसे बहुत आगे हैं, इन्हें कश्मीर पे बड़ी कमांड हासिल है, कश्मीर इशू पे बहुत कमांड हासिल है। रात हम पहला दिन तो हमने गुजार लिया, हम तो रवायती तकरीरें करते हैं ना, ये जो हमारे सारे लीडर एक रवायती, रात हम बैठे, मैंने ही बात शुरू की, मैंने कहा यार अब ये मुकाबला कश्मीर का भी है, लेकिन मुकाबला आज़ाद कश्मीर का और मकबूजा कश्मीर के निज़ाम तालीम का भी है और अहलियत का भी है कि यहाँ की लीडरशिप की और वहाँ की। तो मैंने कहा खुदा का वास्ता है कि सुबह तैयारी करके जाना, रात पढ़ो, कोई थोड़ा बहुत हमें आइडिया में हो गया कि वो क्या सवाल आपसे पूछते हैं, हिंदू क्या पूछते हैं, सिख क्या पूछते हैं, और कश्मीर वाले भी थे। और मैं समझता हूँ वहाँ पे एक लड़की अलसबा खान थी कश्मीर की, उसने इतना कुछ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोला, शायद मैं भी शायद ना तब बोल सकूँ, मुझे उसकी ये तशवीश थी कि ये बच्ची जब वापस जाएगी तो इसके साथ क्या असर होगा, लेकिन वो बोलते थे। तो मैं समझता हूँ कि जो बाहर वफूद आने चाहिए उनको कम से कम कश्मीर की तारीख, कश्मीर का जग्राफिया और बात करने का सलीका आना चाहिए। सर इसके साथ मैं समझती हूँ कि थैंक यू सो मच।